नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन 2 मिनट 10 बड़ी खबरों में। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में मिले COVID-19 के 63,729 नए मामले, अब तक की सर्वाधिक एक दिन ही रही बढ़ोतरी। राज्य में COVID-19 के कुल मामलों की संख्या 37,03,584 हो गई है, जिसमें 6,38,034 सक्रिय मामले हैं। यूपी में उद्योगों को होने वाली मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति पर 15 मई तक लगाई गई रोक। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में COVID-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ने का जिक्र किया गया है। पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करें, प्राथमिकता के आधार पर हो टीकाकरण। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि समाचार संगठन लगातार महामारी, चुनाव आदि मामलों को कवर कर रहे हैं। समाचार मीडिया आवश्यक सेवाओं में शामिल है, इसलिए वो उचित होगा कि पत्रकारों को संरक्षण के दायरे में लाया जाए। हिमाचल प्रदेश बारालाचा में बर्फ के बीच -25 डिग्री तापमान में फंसे 37 यात्री किए गए रेस्क्यू। इसके अलावा 17 वाहनों को भी निकाला गया। छत्तीसगढ़ में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण, 22 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन। सक्रिय मामलों में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर। राज्य में रोज करीब 15,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। पीएम मोदी का निर्देश, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे राज्य। तालमेल बिठाने का भी दिया जोर। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन की अबाध सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते टल सकती है जेईई मेंस की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्रालय लेगा जल्द फैसला। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल में प्रस्तावित नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित किया। कोरोना महामारी के चलते बुरे वक्त में भी मुस्कुरा उठी मानवता। ग्वालियर के 12 निजी अस्पतालों ने कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क इलाज और दवाई देने का लिया संकल्प। टीकाकरण को लेकर बोले विशेषज्ञ, कोरोना की गंभीरता और मौतों को कम करती है वैक्सीन। साथ पता चला कि टीका लगवाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु की संभावना भी कम हो जाती है, लेकिन टीका वायरस के खिलाफ शील्ड का काम नहीं करता है। इस साल पूरे देश में सामान्य रहेगा मानसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी। बता दें कि जून से सितंबर तक 4 महीने की वर्षा अवधि के लिए पहली लॉग्स रेंज पूर्वानुमान जारी किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।